दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है वेयर इज रिटर्न पाथ थ्री फेस मोटर, मतलब कि दोस्तों थ्री फेस मोटर में रिटर्न पाथ कहां पर होता है, या ये कहो दोस्तों हमारी जो थ्री फेस मोटर होती है उसमें न्यूट्रल क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर हमारी थ्री फेस की जो मोटर होती है उसमें न्यूट्रल क्यों नहीं होता है, या दोस्तों उसमें रिटर्न पाथ क्यों नहीं होता है। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हो हमारी जो थ्री फेस मोटर होती है उसमें आपने जब भी कनेक्शन देखे होंगे उसमें सिर्फ तीन वायर के कनेक्शन देखे होंगे। हमारे तीनों वायर जो होते हैं फेस के होते हैं RYB। ऐसा इसमें क्यों है कि इसमें न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है दोस्तों? मतलब कि दोस्तों न्यूट्रल का हमारा क्या कार्य होता है आपने सुना होगा दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड हो, अगर नहीं हो तो मैं बता देता हूं। हमारा जो न्यूट्रल होता है उसका कार्य होता है करंट को बाहर निकालना। जैसे फेस से करंट अंदर गया पूरे सर्किट में घूमा और उसके बाद हमारे न्यूट्रल से वापस रिटर्न आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही चीज क्लियर करेंगे हमारी जो थ्री फेस मोटर होती है आखिर उसमें न्यूट्रल क्यों नहीं होता है या रिटर्न पाथ क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों बिना देर करे फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं और जान दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हो जो हमारी सिंगल फेस की जो मोटर होती है दोस्तों उसमें हम दो वायर कनेक्ट करते हैं दोस्तों। एक तो हम कनेक्ट करते हैं उसमें फेस का वायर, और दोस्तों अगर मैं फेस कनेक्ट कर दूं और मैं इसमें कुछ और एक वायर को खाली छोड़ दूं ऐसे ही, तो क्या हमारी मोटर रनिंग करेगी? तो दोस्तों ये मोटर नहीं चलेगी। कब तक नहीं चलेगी? जब तक मैं यहां पर न्यूट्रल कनेक्ट नहीं कर देता। तो दोस्तों इसमें न्यूट्रल का क्या कार्य होता है? जब हमारी फेस वाली जो वायर है इससे करंट अंदर जाएगा और दोस्तों इससे करंट क्या होता है बाहर आता है, अक्सर लोग यही सोचते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये तो ठीक है हमारे फेस वाले वायर से करंट अंदर जाता है, लेकिन दोस्तों इससे सिर्फ अंदर ही नहीं, इससे बाहर ही नहीं आता, इससे अंदर भी जाता है। वो कैसे दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों न्यूट्रल हमारा रिटर्न पाथ का तो कार्य करता है, ये रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक कार्य और कर रहा है, हमारे सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। यानी कि जो हमारा सर्किट होता है दोस्तों इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। यानी कि दोस्तों अगर इस तरफ से सप्लाई आएगी तो हमारे इस तरफ रिटर्न पाथ है, अगर इस तरफ से सप्लाई आएगी तो इस तरफ रिटर्न पाथ है। यानी कि हमारा रिटर्न पाथ का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों थ्री फेस में न्यूट्रल क्यों नहीं होता है इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रिसिटी को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि थ्री फेस सप्लाई में हमारे थ्री फेस की मोटर में न्यूट्रल क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारी इलेक्ट्रिसिटी को। दोस्तों हमारी एसी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो अल्टरनेटर जो करंट होता है, वो करंट कुछ इस तरह की वेवफॉर्म में चलता है दोस्तों। ये हमारी सिंगल फेज सप्लाई की वेवफॉर्म है दोस्तों। ये वेवफॉर्म मैंने अभी सिंगल में बनाई है यहां पर। तो दोस्तों ये वोल्टेज और करंट, यानी कि वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं, तो ये हमारी सिंगल वेवफॉर्म है दोस्तों। जब ये ऊपर की तरफ चलता है तो दोस्तों ये चलता है दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि प्लस में, और जब ये नीचे, यानी कि इस लाइन से जब ये नीचे चलता है, ये यहां से यहां चलता है, तो ये होता है माइनस, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसको ऐसे समझो दोस्तों, जैसे हमारा ये वायर है, अब यहां से यहां हमारा करंट चला, यहां से यहां इतना चला, तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में। लेकिन जब दोस्तों ये इस लाइन से नीचे आ जाता है तो इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाती है? इसकी डायरेक्शन हो जाती है इस तरफ। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, जब जब ये हमारा करंट, जो दोस्तों करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जब जब हमारी इसके नीचे आएगी तो दोस्तों इसका क्या है, इसकी करंट की जो है दोस्तों वो दिशा बदल जाएगी। और दोस्तों जब ये इससे ऊपर जाएगी तो फिर हमारा करंट की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी कि इस तरीके से दोस्तों ये करंट क्या है, अपनी दिशा बदलता है। तो दोस्तों हमारा जो सिंगल फेज सप्लाई था उसमें क्या हो रहा था, हमारी कोई मोटर हो गई सिंगल फेज सप्लाई की, अब मैंने इस पे फेज जोड़ दिया और दोस्तों इस पे मैंने न्यूट्रल वायर जोड़ दिया, यानी कि फेज और न्यूट्रल मैंने इस पे दोनों कनेक्ट करा दिए। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, जब इसमें से सप्लाई जाएगी तो पहले क्या है, इस तरफ सप्लाई जाएगी, यानी कि सप्लाई जाएगी अंदर की तरफ, यहां से यहां चला हमारा करंट तो अंदर की तरफ। अब जैसे ये नीचे की तरफ यहां से यहां चलेगा तो हमारा इसमें क्या है दोस्तों, अभी तक क्या है, जब ये सप्लाई यहां से जा रही थी तो इस तरफ से बाहर आ रही थी सप्लाई, इस तरफ से बाहर आ रही थी सप्लाई। जब इसमें बाहर आई सप्लाई तो दोस्तों अब इसकी डायरेक्शन बदल गई यहां से यहां। तो दोस्तों अब क्या होगा, जब ये यहां से स्टार्ट होगा तो दोस्तों ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, यानी कि ये बाहर आने लग गया इससे। अभी तक तो अंदर जा रहा था, अभी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसी तरीके से जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो दोस्तों इस तरफ से भी क्या होगा, इस तरफ से भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए थे तो वो अब इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसी तरीके से, यानी कि ये जैसे जितनी बार ये ऐसे ऊपर नीचे होगा तो इसकी दिशा बदलती रहेगी, कभी इस तरफ और कभी इस तरफ, यानी कि कभी इस तरफ से अंदर जाएगा और कभी इस तरफ से अंदर जाएगा, ऐसे ही घूमते रहेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट दोस्तों।
तो ये तो हमारी सिंगल फेज की वेवफॉर्म थी। अब इसकी बात करें, ये हमारी थ्री फेज सप्लाई की वेवफॉर्म है। जैसे इसमें दोस्तों दिखाया गया है, हमारा एक फेज ये वाला हो गया, ये जो यहां से घूम का आया है ऐसे एक फेज हो गया, जिसपे हमने लिखा भी है एक फेज, यानी कि फेज वन। और इसी तरीके से दोस्तों जो दूसरा वाला है हमारा, हमारा दूसरा वाला फेज ये हो गया दोस्तों, ये आया है इस तरफ से घूम के गया है और इस तरफ से यहां पे आया है दोस्तों, ये इस तरीके से। यानी कि जब ये तीनों फेज चलते हैं तो ये एक सिक्वेंस में चलते हैं, मतलब कि दोस्तों इनमें जो बराबर का एंगल होता है यानी 120 डिग्री का एंगल होता है, इन तीनों में आपस में क्या रहेगा, 120 डिग्री का एंगल रहेगा। वो तीसरा फेज हमारा ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों जब ये तीनों फेज चलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जब इसके नीचे आएगा तो डायरेक्शन बदल जाएगी, इस लाइन के नीचे आते इनकी डायरेक्शन बदल जाएगी, तीनों आपस में बदल जाएंगे। तो दोस्तों सपोज करो दोस्तों, अब इसको देखो, फेस वन को देखो आप, तो फेस वन जब ऊपर है तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ हमारे जो थ्री फेस सप्लाई की मोटर होती है उसमें तीन फेस होते हैं, कितने, तीन फेस होते हैं। सिंगल फेस की तो मैंने पहले ही बता दी, अब थ्री फेस की बात करते हैं। जब थ्री फेस सप्लाई होती है तो उसमें भी तीन फेस होते हैं। तो दोस्तों जब हमारा फर्स्ट फेस की बात करते हैं, पहला फेस हमारा प्लस में है, यानी कि पहले फेस की डायरेक्शन क्या है, ये है इस तरफ। जब हमारे पहले फेस की डायरेक्शन इस तरफ है तो दोस्तों इसके सामने यहां देखो हमारे दो फेस नीचे है, तो जो दो फेस है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी डायरेक्शन होगी दोस्तों ये। यानी कि दोस्तों हमारा जब ये फेस इस डायरेक्शन में चल रहा है तो हमारे दो फेस की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, चेंज है। यानी कि रिटर्न पाथ जो हमारा न्यूट्रल वर्क कर रहा था, रिटर्न पाथ का यानी कि रिटर्न का रास्ता जो दे रहा था हमारे करंट को न्यूट्रल सिंगल फेस सप्लाई में, वही काम हमारे क्या फेस कर रहे हैं थ्री फेस की सप्लाई में। थ्री फेस की सप्लाई में फेस वही कार्य कर रही है, यानी कि दोस्तों इसकी डायरेक्शन इधर है, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी इस तरफ, दूसरी तरफ। इसी तरीके से आप दूसरे फेस की बात करो, अगर हमारा ये दूसरा फेस था भी डायरेक्शन इसकी नीचे थी, जब ये ऊपर चला गया हमारे दूसरे फेस की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। लेकिन दोस्तों इसी के ठीक नीचे देखो, हमारे दोनों फेस नीचे है, हमारा एक नंबर और दो नंबर फेस, तो एक नंबर की क्या होगी दोस्तों, इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस तरफ हो गई। यानी कि इस लाइन के नीचे आते डायरेक्शन चेंज होगी। तो दोस्तों इसके सामने देखो, ये हमारा यहाँ पे है फेस, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। इसी तरीके से ये भी नीचे है, इस लाइन के नीचे है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी दोस्तों। इसी तरीके से जब तीसरा फेस आएगा, अब तीसरे फेस की बात करें कि ये फेस तो ऊपर जाना है, यानी कि दो नंबर फेस है ये तो ऊपर है, अब ये फेस ऊपर जाएगा तो तीन नंबर हमारा जब डायरेक्शन चेंज करके अपनी, तो इसकी डायरेक्शन अभी इधर थी, अब इधर हो गई। तो इसी तरीके से जब इसके नीचे देखोगे आप, ये दो फेस हमारे ये नीचे आ गए, ये वाला फेस फेस टू और फेस वन भी नीचे ही है इसके ठीक सामने, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अब इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब हमारे थ्री फेस सप्लाई वर्क करती है तो इसी तरीके से फेसों की डायरेक्शन चेंज होती रहती है आपस में। यानी कि अगर एक ऊपर रहेगा तो दो इसके साइड रहेंगे, यानी कि अगर एक से आ रहा है ना करंट, तो दो से रिटर्न पाथ जाने का रास्ता है हमारे करंट का। और सर्किट तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट कर ही दिया है हमने अपनी थ्री फेज सप्लाई के द्वारा, चाहे तो हम स्टार में चलाएंगे चाहे हम डेल्टा में चलाएंगे। तो इसी तरीके से जब हम थ्री फेज सप्लाई अपने किसी भी मोटर पर कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों उनकी डायरेक्शन इसी तरीके से चेंज होती रहेगी। ये हमारा कोई मोटर मान लो दोस्तों, यहां पे हम कोई मोटर है, जब हमारा ये वाला इस तरफ चलेगा, इससे ये हमारा आर फेस हो गया, फेस वन मान लो, जब ये इस तरफ चलेगा तो इन दो में इस तरफ से सप्लाई निकलने के लिए रिटर्न पाथ रहेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। और जब दोस्तों इसका ये जब नीचे आएगा, हमारा एक नंबर नीचे भी आना है, आर नीचे भी आना है, तो फिर हमारा क्या होगा, वाई ऊपर चला जाएगा, यानी कि दो नंबर फेस ऊपर चला जाएगा। तो अब इसकी डायरेक्शन ये हो गई इस तरफ अंदर की तरफ, और इसकी बाहर की तरफ रह गई दोनों ही। तो इसी तरीके से जब हमारा तीसरा फेस यानी कि दूसरा फेस भी ऊपर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जब इसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी तो अब हमारा जो यो वाला फेस है बी फेस यानी तीन नंबर का जो फेस है, अब इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी, यानी कि ये अंदर की तरफ रहेगा तो दोस्तों ये बाहर की तरफ रहेंगे, यानी कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो मैंने अभी आपको वेवफॉर्म में भी दिखाया है और बताया भी है, अच्छे से क्लियर किया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि हमारे थ्री फेस के मोटर में इसीलिए न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रिटर्न पाथ के लिए हमारे जो फेस होते हैं ना वही कार्य करते हैं हमारे रिटर्न पाथ का। तो उम्मीद आज की वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आप इलेक्ट्रिकल वीडियो हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो प्लीज दोस्तों एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।